ज्वेलर्स के पॉपुलर शो कसम तेरे प्यार की में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। तनुजा और ऋषि की परफॉर्मेंस ने ऑडियंस पर बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट किया था। ऋषि और तनुजा एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों टेरेस पर एक दूसरे के साथ कैंडल लाइट डिनर करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि तनुजा से फैमिली मेंबर्स के सामने झगड़ा करता है क्योंकि ऋषि तनुजा के बिजनेस करने के तरीके से परेशान हो चुका है। रानू और नेत्रा ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऋषि सच में तनुजा से झगड़ा कर रहा है या ड्रामा कर रहा है उन्हें दिखाने के लिए। नेत्रा को रानू का सपोर्ट मिलने के बाद उसे लगता है कि अब वो ऋषि को तनुजा से छीन सकती है। रानू नेत्रा के साथ मिलकर तनुजा को मारने का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती है ताकि तनुजा का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि नेत्रा और रानू मिलकर तनुजा और ऋषि को कैसे अलग करेंगे। क्या ऋषि को नेत्रा और रानू का प्लान पता चल पाएगा? शो में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना। कलर्स के पॉपुलर शो कसम तेरे प्यार की में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। तनुजा और ऋषि की परफॉर्मेंस ने ऑडियंस पर बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट किया था। ऋषि और तनुजा एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों टेरेस पर एक दूसरे के साथ कैंडल लाइट डिनर करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि तनुजा से फैमिली मेंबर्स के सामने झगड़ा करता है क्योंकि ऋषि तनुजा के बिजनेस करने के तरीके से परेशान हो चुका है। रानू और नेत्रा ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऋषि सच में तनुजा से झगड़ा कर रहा है या ड्रामा कर रहा है उन्हें दिखाने के लिए। नेत्रा को रानू का सपोर्ट मिलने के बाद उसे लगता है कि अब वो ऋषि को तनुजा से छीन सकती है। रानू नेत्रा के साथ मिलकर तनुजा को मारने का बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती है ताकि तनुजा का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि नेत्रा और रानू मिलकर तनुजा और ऋषि को कैसे अलग करेंगे। क्या ऋषि को नेत्रा और रानू का प्लान पता चल पाएगा? शो में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना।